स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? अच्छा, हेलो बढ़िया स्टूडेंट्स, सर। हाउ आर यू? एक मिनट हो गया। तो लास्ट टाइम हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे थे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा एक सिंगल सोर्स है और मान लें कि यहाँ ये हमारे S1 S2 टू सोर्सेज हैं। तो इस सिंगल सोर्स से ये हमारे टू रेज गई हाइगेंस प्रिंसिपल से। S1 और S2 हमने सेम डिस्टेंस पे लिया है S से, तो ये दोनों इसलिए इसमें सेम फेज में है, S1 एंड S2। तो S1 S2 हाइगेंस प्रिंसिपल से एक तो सेम फेज में है, दूसरा ये दोनों इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। और इससे हमने यहाँ पी पॉइंट पर ये S1 और S2 ये दो लाइट रेज हैं, इनके सुपर पोजिशन से हमें यहाँ पर ब्राइट या डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो लास्ट क्लास में हमने इसका डेरिवेशन किया था। तो S1 और S2 के बीच में जो हमारे सोर्सेज हैं उसको हम स्मॉल डी लेते हैं, और ये इन दोनों का हाफ है, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये एक्सिस हमारी
S1 S2 को ज्वाइन करने वाली लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है ये लाइन, ये डी बाई टू, ये भी डी बाई टू, और ये हमारा स्क्रीन और सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस ये हमने डी लिया था। और फिर हमने एक S1P निकाला था, S2P निकाला था पाइथागोरस से, उनका डिफरेंस निकाला था, उससे हमें पाथ डिफरेंस आए थे। जो कि पाथ डिफरेंस हमारा था एक्स डी बाई डी। और फिर हमने इस पाथ डिफरेंस को जब लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल लिया तो हमें ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस मिला, और जब हमने लैम्डा बाई टू का ऑड मल्टीपल लिया तो हमें डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस मिले। यह सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए इसको मैंने एन लैम्डा रखा था, इससे एक्स, ये जो फ्रिंज है पी, इसका डिस्टेंस सेंटर लाइन से ये डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स हमें मिल रहा था एन लैम्डा डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और एन की वैल्यू वन रखेंगे तो लैम्डा डी बाई डी, टू रखेंगे टू लैम्डा डी बाई डी। तो ऐसे ही ये कंजिक्यूटिव जो ब्राइट फ्रिंजेस है उनका डिस्टेंस आ रहा है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज लैम्डा डी बाई डी, और जो सेंटर पॉइंट है वो सिमेट्री से एस वन एस टू से सेम डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस जीरो होगा, तो इसलिए सेंटर ओ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसे हम इसमें काउंट नहीं करते। तो सेंटर ओ पर एक जिसे हम कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसलिए फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए n इक्वल टू वन रख देते हैं यहाँ पे, तो हमें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस ये मिलेगा लैम्डा डी बाई डी। इसी तरह सेकंड ब्राइट फ्रिंज एन बराबर टू पे सेकंड मिल जाएगी, एंड लाइकवाइज तो इनसे हमें ये डिफरेंस से ये दिखाई दे रहा है कि सब में लैम्डा डी बाई डी इंक्रीज होता जा रहा है, या एन से भी पता चल रहा है जो भी फर्स्ट टाइम है उसका डबल हो गया, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है कोई भी कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस वो हमें फ्रिंज वेट दे रहा है। तो इसके लिए हम n नंबर की ब्राइट फ्रिंज लेते हैं और n माइनस वन नंबर की ब्राइट फ्रिंज लेते हैं, दोनों का डिफरेंस यानी दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस हमें फ्रिंज वेट देगा। इसी तरह से दो कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस भी हमें सेम फ्रिंज वेट देगा, क्योंकि इन सब फ्रिंजेस की जो विड्थ थिकनेस है या विड्थ है वो सेम है, ब्राइट की भी सेम है डार्क की भी सेम है, और जो सेंट्रल ब्राइट बन रही है उसकी भी सेम है, यानी सारी फ्रिंजेस की थिकनेस इस स्क्रीन के ऊपर जो भी आएंगी ऑल्टरनेट आएंगी, सेंटर में ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे ऑल्टरनेट आती जाएंगी, ऐसी नीचे आएंगी, सेंटर वाली तो ब्राइट हो गई, तो ब्राइट के बाद डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, और सबकी थिकनेस सेम है। तो यहां से देखें एक्स एन वाली का जो डिस्टेंस होगा एन नंबर की फ्रिंज लैम्डा डी बाई डी, और जो एन माइनस वन वाली फ्रिंज होगी लैम्डा डी बाई डी, मैं कॉमन ले ले रहा हूं यहां से,
और इसको हम जनरली डेटा से नोट करते हैं। तो हमारी जो फ्रिंज विड्थ है वो लैम्डा डी बाई डी, इसमें देखें जो कैपिटल डी है वो कैपिटल डी न्यूमरेटर में आ रहा है, तो यानी ऑलरेडी कैपिटल भी और वही ऊपर भी है। तो इसके हेल्प से फॉर्मूले याद रखेंगे लैम्डा डी अपॉन डी। यहां तक आपको कोई डिफिकल्टी है? फिर मैं आगे चलता हूँ। यहां तक आया समझ में? क्लास यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो इसलिए जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है उसको बीटा के टर्म्स में अगर देखें, फर्स्ट ब्राइट, तो उसको याद कर लेंगे जो भी बीटा है उसको मल्टीपल ले लेंगे, यानी फर्स्ट ब्राइट का जो डिस्टेंस होगा एक्स वन, वन बीटा है। तो अगर मैं कहूं फोर्थ ब्राइट, तो वो फोर बीटा हो जाएगी। सेवेंथ ब्राइट, ये सेंटर से डिस्टेंस है सेवन बीटा, तो सेवन बीटा डिस्टेंस सेंटर से ऊपर और सेवन बीटा डिस्टेंस सेंटर से नीचे, ऊपर और नीचे सिमेट्रिकली दोनों पोजीशन में ब्राइट फ्रिंजेस होंगी। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले डार्क फ्रिंज के बारे में और स्टडी करते हैं, क्योंकि उस टाइम थोड़ा जल्दी करना पड़ा था, टाइम बचा नहीं था। डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस था हमारा एक्स, इस पाथ डिफरेंस को हमने लैम्डा बाई टू का ऑड मल्टीपल, ये ऑड नंबर है, तो एन की वैल्यू वन रख दें यहां पे, तो लैम्डा बाई टू, टू रख दें तो थ्री लैम्डा बाई टू। तो इसलिए फर्स्ट डार्क फ्रिंज, इससे हमारा जो डिस्टेंस आएगा एक्स, पहले निकाल लेता हूँ, एक्स आ गया टू एन माइनस वन, तो फर्स्ट जो डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस होगा एन की वैल्यू वन टू थ्री ऐसे रखनी है हमें, तो एक्स अगर वन रखने से हमें मिलेगा ये लैम्डा डी बाई टू डी, और लैम्डा डी बाई डी को अगर मैं बीटा ले लूं तो ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज बीटा बाई टू पर होगी। सेकेंड डार्क फ्रिंज एन बराबर टू रख दिया तो ये थ्री लैम्डा डी बाई टू डी, थ्री बीटा बाई टू, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कंसेक्यूटिव कोई भी दो डार्क फ्रिंज के बीच का डिफरेंस अगेन बीटा है, और इसी तरह से हम एन नंबर की डार्क फ्रिंज और एन माइनस वन नंबर की डार्क फ्रिंज, कोई भी दो डार्क फ्रिंज कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज लेंगे उनका डिफरेंस देखेंगे तो वो सेम आएगा हमें बीटा, जो कि यहाँ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस था लैम्डा डी बाई डी, इसलिए ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज दोनों की थिकनेस हमेशा सेम है। अब मैं आगे जा रहा हूँ, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सॉरी फॉर बीइंग लेट सर। इट्स ओके।
थार डार्क फ्रिंज तो ये ऑड नंबर 1, 3, 5 ऐसे आते जाएंगे, 5 बीटा बाई 2, तो इसके हिसाब से हम लिखते जाएंगे। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं x1 x2 x3 x4 x5, ये कैसे कैसे आएंगे, पहला बीटा बाई टू, फिर दूसरा 1, 3, 5 ऐसे चलना है, तो थर्ड आर्क फ्रिंज 5 बीटा बाई 2, फिर 7 बीटा बाई 2 लाइकवाइज एंड 9 बीटा बाई 2। तो ऐसे हम ब्राइट या डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस सेंटर से लेंगे, इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अगर हम इसको YDSC जो सेटअप है इसको किसी मीडियम के अंदर इमर्स कर दें, सपोज किसी भी लिक्विड में, YDSC जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है ये एयर में हमने किया, बट इफ सेटअप इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू, तो जो नई वेवलेंथ है लाइट की इस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वजह से वो वेवलेंथ लैम्डा बाई म्यू हो जाती है इन द न्यू मीडियम, और इसलिए जो बीटा प्राइम या न्यू फ्रिंज विड्थ होगी, इसे मैं न्यू लिख रहा हूं, यानी न्यू फ्रिंज विड्थ, उसमें लैम्डा हमारी चेंज हो चुकी होगी और लैम्डा ये वाली आ गई होगी, और लैम्डा डी बाई डी ये बीटा है, तो यानी क्योंकि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है तो फ्रिंज विड्थ भी हमारी बीटा बाई म्यू हो गई होगी, और म्यू कोई भी लिक्विड होगा तो म्यू ग्रेटर देन 1 होगा लिक्विड के लिए, तो इसलिए फ्रिंज विड्थ रिड्यूस ही आएगी। तो इसे अगर हम किसी भी लिक्विड के अंदर समर्ज कर दें तो फ्रिंज विड्थ हमारी रिड्यूस हो चुकी होगी। यहां तक एक बार देखो आप लोग, कोई डिफिकल्टी है बताओ, थोड़े क्वेश्चन के इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर, नोट कर। ओके,
सर एक बार स्टार्टिंग से दिखा सकते हैं सर, आप स्क्रीनशॉट दे देता। किसका ऊपर? हाँ सर, हाँ एक मिनट, कहाँ पे और ऊपर? स्टार्टिंग स्टार्टिंग से ही दिखा देता से? हाँ सर, थोड़ा नीचे। हाँ सब नीचे कर लीजिए। थैंक यू सर। ओके अब देखते हैं, जो हमने पाथ डिफरेंस निकाला था उसका, उससे निकालने का शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं अभी। ये तो हमने पाइथागोरस से पाथ डिफरेंस निकाला था, दो ट्राइंगल लिए, हाइपोटेन्यूज ली, यहाँ पे हमारा सपोज S1 है, यहाँ हमारा S2 है, यहाँ S है, तो ये S1P और S2P ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। जो डिस्टेंस है O से लेके P तक का, ये वेरी वेरी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस। ये जो D डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है। मिलीमीटर में होता है सर। ये मिलीमीटर में और ये वाला मीटर में है ना। तो सपोज ये अगर 1 या 2 मीटर है और ये 2 या 3 मिलीमीटर है, तो मतलब नेग्लिजेबल, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। इसलिए इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है, वो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए इसके ऊपर ऐसे ज्वाइन कर देते हैं परपेंडिकुलर, और यहाँ पे सेंटर से पी को ज्वाइन करें। अगर ये सेंटर वाली लाइन एंगल थीटा बना रही है, तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये लाइन हमारी इसके ऊपर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन हॉरिजेंटल के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ज्योमेट्री से ये वाला एंगल भी थीटा आ जाता है। और अगर मैं इसको m लिख रहा हूं, तो ये S2m पाथ डिफरेंस है आता है S1 से लेके P तक, और m से लेके P तक ये ऑलमोस्ट ये दोनों सेम होंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आया पाथ डिफरेंस, ये हमारा फिगर में S2m है, हम इससे भी निकाल सकते हैं S2m। और जो S2m है S1 से लेके S2 तक, ये डिस्टेंस है हमारा जो दो फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। तो इसलिए ये वाला डिस्टेंस इसे हम लिख सकते हैं D sin थीटा, और ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा वेरी स्मॉल होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं D tan थीटा। और टेन थीटा को हम यहाँ से ये x परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा पाथ डिफरेंस तुरंत ही आ गया बिना ज्यादा कैलकुलेशन के, DX अपॉन D। तो हम इसके मैथ इस हेल्प से जब खुद न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसकी हेल्प से पाथ डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर हम फॉर्मूले में हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो DX अपॉन D ये हमारा पाथ डिफरेंस आ गया, बाकी का जो पोर्शन है वो सेम रहेगा। तो यहां तक आपका नोट हो गया, अब आगे चले।
ये शॉर्टकट मेथड क्लियर है ना आपको? ठीक सर। हाँ, तो अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, नोट हो गया? ओके, यस सर। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई 0.24 मिलीमीटर, स्क्रीन इज 1.2 मीटर अवे, द स्लेट्स एंड फ्रिंज विड्थ इज 0.3 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट used in the experiment. तो आंसर हम एंगस्ट्रॉम में दे देंगे, पहले ट्राई करेंगे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर हमने सब फॉर्मूले याद रखे तो हमारे क्वेश्चन मोस्टली हो जाएगा. फॉर्मूले याद रखने और सबका एप्लीकेशन ध्यान में रखना है, तो ट्राई करते हैं वेवलेंथ फाइंड करने के लिए. सर 0.6 × 10 का पावर 4। नहीं, चेक करो कैलकुलेशन में आ रही है, एंगस्ट्रॉम में आएगा ना, तो 10 to पावर तो माइनस में है ये पावर, है ना? एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो, और ये तो एंगस्ट्रॉम में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. सर 6 × 10⁻¹⁷। हाँ, 6 raised to 10, 6 × 10⁻¹⁷ मीटर राइट आंसर है. वो मीटर में, अभी उसे एंगस्ट्रॉम में चेंज करें, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻¹⁰ मीटर, तो ओके सर, कितना हो गया? तो बीटा इज लैम्डा डी बाई डी, हमें यहाँ लैम्डा निकालना है, तो ये बीटा इंटू डी ऑन कैपिटल डी.
फ्रिंज वेट 0.3 सेंटीमीटर के बने। और सेपरेशन ये 0.24 10^-3 मीटर होगा ये, और इनके बीच का डिस्टेंस ये 1.2 मीटर। कितने आ गई 6000 एंगस्ट्रॉम। सबका ये आंसर आ गया? यस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन YDSC इंटरफेरेंस फ्रिंजेस were produced on a screen placed at 1.5 meter from the two slates point 3 millimeter apart and illuminated by a light of wavelength (6400 angstrom) to find the fringe width. Try karte hain pehle. सर 3.2 × 10^-2 मीटर। 3.2 × 10^-3 मीटर चेक करो, -3 मीटर आना चाहिए। यस सर -3 है। राइट।
सबका आंसर आ गया क्लास में, ट्राई कर रहे हैं अभी स्टूडेंट्स? वेट सर, ओके आप लोग ट्राई करें, ट्राई करना जरूरी है, शुरू में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, बाद में स्पीड अपने आप बन जाएगी। थर्टी टू इंटू टेन की पावर माइनस थ्री मीटर, नहीं 3.2 इंटू टेन टू आवर माइनस थ्री मीटर, 3.2 मिलीमीटर आंसर आएगा, एक बार चेक करें डेसिमल में। तो फ्रिंज विड्थ यानी कि हमें निकालना है बीटा, बीटा इज जी सर 3.2 इंटू टेन की पावर माइनस थ्री मीटर, राइट 3.2 मिलीमीटर मिलीमीटर। तो ये लैम्डा रखा 6400। सर इस पे ऐसे डायरेक्ट सवाल आते हैं बिल्कुल। 1.5 मीटर, पहले हम प्रैक्टिस कर लें, बिल्कुल ठीक डायरेक्ट तो नहीं आएगा, तो हम धीरे धीरे अभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तो फॉर्मूले बेसिकली यही यूज होगा जो भी क्वेश्चन हो। तो अभी और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन YDSC द फ्रिंज विड्थ obtained is zero point six centimeter when light of wavelength angstrom is used, 4800 angstrom is used, if the distance between the screen and the slit is reduced to half, what should be the wavelength of light used to obtain fringes
0.0045 मीटर वाइड तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ हमें ये गिवन है जब हम ये वेवलेंथ यूज करते हैं। तो अब हमने जो स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया, तो कितनी वेवलेंथ यूज करें कि हमें इतनी फ्रिंज विड्थ वाली फ्रिंजेस मिले, ट्राई करते हैं आप लोग। तो 0.72 एंगस्ट्रॉम। मीटर में चेक करेंगे, मीटर में आएगा 7.2 × 10⁻⁶ मीटर। 7.2 × 10⁻⁶ मीटर, एक बार चेक करते हैं हम लोग। अभी ट्राई कर रहे हैं ना हम ये क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं अभी? जी सर। ओके, टेक योर टाइम। सर 9.6 मीटर। वेवलेंथ 9.6 मीटर। नॉट, नहीं नहीं वेवलेंथ तो कम आएगी बहुत।
7.2 × 10⁻¹⁷ मीटर। 7.2 × 10⁻⁶ मीटर आ रही है आंसर जो दिया है, एक बार चेक करो आप लोग। सर 7.2 × 10⁻¹⁷ आ रही है सर। एक मिनट, इसमें -6 मीटर गिवन है, और आप लोग आंसर चेक कर लो एक बार, सबका ही आ रहा है तो फिर देखते हैं। सर मेरी 1 × 10⁻¹⁷ आ रही है बस, बाकी तो सही है। ओके, बाकी लोगों का क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 7 आ रहा है? कोई बात नहीं, चेक कर लेना, मेथड क्लियर है ना, हमें कैलकुलेशन एक बार देख लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए टू स्लिट एक्सपेरिमेंट, मोनोक्रोमेटिक लाइट मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ, फ्रिंजेस आर ऑब्टेंड ऑन ए स्क्रीन placed at some distance distance d from the slits if the screen is moved फाइव इंटू टेन टू आर माइनस
2 meter towards the slits. The change in fringe width is 3 × 10⁻⁵ meters. If the distance between the slits is 10⁻³ meter, calculate wavelength of light used. पहले ट्राई करते हैं. (6×10⁻⁷) राइट आंसर. सबका ही आंसर आ रहा है सर? अभी तो करना शुरू किया है. ओके ओके, ट्राई ट्राई.
सर आप बताने वाले हैं इसमें जो पहले डिस्टेंस डी वाला डिस्टेंस गिवन है तो बीटा निकालेंगे लैम्डा इंटू डी बाई डी, इसको मैं डी वन ले रहा हूँ, ये डी वन हमारा डी गिवन है फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में लैम्डा और डी ये वाले डी तो सेम है, अब ये डिस्टेंस बदल के डी टू हो गया और ये डी टू डी वन से कम है क्योंकि स्क्रीन को हमने मूव किया स्लिट की तरफ, तो अगर हम डी टू कम कर देंगे तो ये बीटा टू इससे कम होगा या ज्यादा होगा बीटा टू? चलो बीटा टू कम होगा, कम हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कम कर दिया तो ये भी कम हो जाएगा, तो इसलिए इनका डिफरेंस ले लो अब आपको ये विड्थ फ्रिंजेस का चेंज गिवन है, डी वन माइनस डी टू गिवन है, स्मॉल डी गिवन है, लैम्डा फाइंड कर लेंगे, इसमें वैल्यू रख दो। ये है चेंज इन फ्रिंज विड्थ 3 × 10⁻⁵ और स्लिट के बीच का डिस्टेंस 10⁻³ और ये 5 × सर 6 × 10⁻¹⁷ राइट ओके सर 6 × 10⁻¹⁷ मीटर जो कि है 6000 एंगस्ट्रॉम। यहां तक सबके आंसर आ गए? बिल्कुल सर। ओके आगे चलते हैं। ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स एट हंड्रेड नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर इज यूज्ड टू ऑब्टेन ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन वाई डी एस सी ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड वन पॉइंट फोर मीटर अवे If the two slits are separated by zero point two eight millimeter, calculate
the least distance from the central bright maximum where the bright fringes of the two wavelengths coincide. क्वेश्चन समझ लेंगे. बीम ऑफ लाइट में दो वेवलेंथ हैं 800 एंड 600 और स्क्रीन का डिस्टेंस ये गिवन है. अगर दो स्लिट जिनके बीच का डिस्टेंस ये गिवन है, एक मिनट, अगर दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस ये है तो आपको कैलकुलेट करना है लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम. सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज होती है जहां पर ब्राइट फ्रिंज इनकी पहली बार कंसाइड करेंगी, वहां कम से कम डिस्टेंस क्या होगा जहां पे दोनों की ब्राइट फ्रिंज एक साथ आ रही होंगी, इसकी भी और इसकी भी. ट्राई करते हैं. आप बताने वाला इसमें देखेंगे अगर
सपोज ये फर्स्ट वाले के जो फ्रिंज विड्थ है वो बीटा वन है और सेकंड वाले की फ्रिंज विड्थ सेकंड लाइट यानी 600 के लिए बीटा टू है, तो दोनों सेम इसकी ब्राइट और इसकी ब्राइट कॉन्साइड करनी चाहिए। तो मान लें इसकी एन वन नंबर की ब्राइट फ्रिंज हो और इसकी एन टू नंबर की ब्राइट फ्रिंज हो, तो इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा एक्स डिस्टेंस इस वाले के लिए फर्स्ट के लिए वो एन वन बीटा वन होगा और ये सेम डिस्टेंस इसके लिए होना चाहिए, इसकी फ्रिंज विड्थ एन टू इसका नंबर जो भी नंबर हो, तो इससे हम एन वन और एन टू जो नंबर आ रहे हैं इनका रेशियो फाइंड कर लेंगे। ये इंटीजर में रेशो आना चाहिए इंटीजर्स में, तो इसके करस्पॉन्डिंग एन वन की वैल्यू हम जो भी यहाँ इंटीजर कम से कम स्मॉलेस्ट इंटीजर जो आएंगे यहाँ पे रेशो में फर्स्ट वाले के लिए वो एन वन नंबर हमारी इस ब्राइट फ्रिंज के लिए उस नंबर की ब्राइट फ्रिंज बनेगी। मान लो ये 4/5 आ जाता है, मान लो 4/5, तो इसका मतलब इसकी 4 ब्राइट फ्रिंज और इसकी 5 ब्राइट फ्रिंज दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो फिर यहाँ पे 4 रख के ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो पहले रेशियो निकाल लो 4/3। थ्री बाई फोर तो नहीं आ रहा? अच्छा हाँ हाँ जी सर, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी ना उसकी कम ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ये 800 है, तो यानी कि फर्स्ट वाले की 3 और सेकंड वाले की 4 ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेम होगा। इसी तरह अब अगला, अगर ये तो फर्स्ट वाला का है लीस्ट डिस्टेंस, इससे अगली जो प्लेस होगा वहां पे इसकी 6 हो जाएंगी, इसकी 8 ब्राइट फ्रिंज रहेंगी, है ना, तो उससे डिस्टेंस निकाल देंगे। तो इसलिए एक्स 3 बीटा 1 का डिस्टेंस वो हमारा डिस्टेंस होगा। और जब बीटा 1 बीटा 2 रखेंगे क्योंकि सेम सेटअप है तो ये ऐसा आएगा, देखो एन वन लैम्डा 1 डी बाई डी, इसलिए एन वन बाई एन टू, तो ये लैम्डा के इनवर्स रेशियो में आ जाएगा। तो एन वन बाई एन टू 3:4 और इससे एक्स डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी पहले वाली वेवलेंथ यूज करनी है तो हम थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालेंगे, दूसरी वेवलेंथ यूज करनी है तो हम फोर्थ उसकी फोर्थ ब्राइट फ्रिंज लेंगे, दोनों का डिस्टेंस सेम ही आएगा। तो ये 3/1 का डिस्टेंस निकालेंगे और निकाल के मुझे बता देंगे। मिलीमीटर कितना? 12 इज राइट, 12 मिलीमीटर इज राइट आंसर। क्लास सबका ही आंसर आ गया? किसी को कोई डिफिकल्टी यहां तक? नो सर। ओके, अब थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। Slits are 0.2 millimeter apart.
and screen is 1.5 meter away. It is observed that the distance between the central bright fringe and fourth dark fringe is 1.8 centimeter. Find the wavelength of light used. ट्राई करते हैं आप लोग. तो 0.65 × 10⁻⁶. हाँ 0.68 × 10⁻⁶ मीटर. ये आ रहा है तो 0.65 आ रहा है. हाँ अप्रोक्सीमेट चलेगा, कोई इशू नहीं. कौन सी ली? फोर्थ डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस कितना लिया वो बताओ मुझे. सर क्या फोर्थ डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस बीटा के टर्म्स में कितना लिया हमने? फोर्थ डार्क फ्रिंज कहाँ बनेगी? सर मैंने बीटा के टर्म्स में ही मैंने 2n-1 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एक्स और स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी करके करा. हाँ पर आप सोच के बताओ कि तुम्हारा उसमें एन की वैल्यू क्या रखी है तुमने? उसमें एन की वैल्यू 4 रखी, मतलब 4 रखी है तो 7 लैम्डा बाय 2. 7/2. हाँ सही है. पर हम ये 2n-1 और 2n+1 बुक में 2n+1 फॉर्मूले भी यूज हुए हैं, 2n-1 वाले फॉर्मूले भी यूज हुए हैं, इसलिए हमेशा अगर चाहते हो एग्जाम में मिस्टेक ना हो, नहीं तो कहीं कहीं मिस्टेक हो सकती है क्योंकि कहीं एन जीरो से शुरू होता है, कहीं एन वन से शुरू होता है अलग अलग फॉर्मूले में. तो आप 1, 3, 5, 7 ऐसा करो. 1, 3, 5, 7 तो 7 नंबर आ गया फोर्थ डार्क के लिए, 7β/2. तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है. तो जो फोर्थ डार्क फ्रिंज है उसका डिस्टेंस सेंटर से 7β/2 है. डिस्टेंस ऑफ फोर्थ डार्क फ्रिंज
सेवन बीटा बाई टू, और बीटा की वैल्यू रखते ही आंसर आ जाएगा। और ये हम कैसे करते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ऑड नंबर लिख लेने हैं। फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ये सब डार्क हैं, फिफ्थ डार्क, तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। और उसको बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये डिस्टेंस हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में 1.8 सेंटीमीटर। इससे लैम्डा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतनी आ जाएगी, 6.86 इंटू 10^-7 मीटर। एक बार देखें सबका ये आंसर आ गया। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं अभी, स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं? कर रहे हैं, हाँ हाँ ट्राई कर लो, कोई इशू नहीं। मेरी 10^-6 आ रही है। बाकी लोग चेक करेंगे, क्योंकि -7 इसलिए आनी चाहिए क्योंकि ये 6000 एंगस्ट्रम आ जाएगी ना, तो लाइट की वेवलेंथ की रेंज में आ जाएगी। तो एक बार कैलकुलेशन देख लेंगे। 0.2 मिलीमीटर लिया हमने, 0.2 जी सर, 0.2 लिया है। कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेंगे। सर अच्छा एक एरर कर दिया मैंने। आ गया सर। ओके वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो है वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट होता ही है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द स्लिट्स आर separated by 0.5 millimeter and a screen is placed one meter away It is found
that the ninth bright fringe ये तो अभी मैं पूरा कर रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन यहां तक आप लोगों ने क्वेश्चन किए आसान लग रहे हैं ना आपको, सब समझ में आए? यस सर। हाँ वेरी नाइस। एंड द नाइट नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8.835 millimeter from second arc fringe. ये इधर लिख नहीं रहा, इधर आना पड़ेगा, फ्रॉम सेकेंड डार्क फ्रिंज एंड फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ये ट्राई करते हैं आप लोग। तो 0.8 0.5890 आर्मस्ट्रॉन्ग, 0.5890 एंगस्ट्रॉम, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ शायद। नहीं नहीं ये मीटर, ये आएगा 0.58 10 to power minus 6 मीटर, 0.58 into 10 to power minus 6 मीटर, चेक करो। यस मीटर में, मीटर में। हाँ 0.5890 into 10 to power minus 6 मीटर इज राइट आंसर। अभी ट्राई कर रहे हैं ना कुछ स्टूडेंट्स? ट्राई कर रहे हैं सर, ट्राई कर रहे हैं ना?
ट्राई कर रहे हैं सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर 1 मीटर अवे है या 10 मीटर? 1 मीटर है, 1.0।